अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स टॉपिक रिलेटेड टू द अमीनो एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, ऐसे कंपाउंड्स जो कंडेंसेशन प्रोसेस से बनेंगे। और कंडेंसेशन हम लोग करवाएंगे मिनिमम टू अमीनो एसिड्स होने चाहिए, टू आर मोर देन टू, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? टू होने चाहिए, टू आर मोर देन टू अमीनो एसिड्स की जब हम कंडेंसेशन करवाएंगे। और वो दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स हमारे सेम भी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हमें मिलेगा पेप्टाइड्स। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो एक जैसे या दो डिफरेंट या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमिनेट होता है। यहां जो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा दैट इज अ वॉटर, तो यहां से वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे, जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड सी डबल ओ एच। एक बात हमें याद रखनी है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आपने इस साइड पे लिखना है, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप इस साइड पे लिखना है। सो कार्बोक्सिल ग्रुप सी, हियर विल बी एच, हियर विल बी एन एच to here will be a side chain R, this is one amino acid, plus here will be a second amino acid, so C यहाँ उसके क्या होगा H, यहाँ होगा R, इस साइड पे हम लिखेंगे C double OH, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमाइनो ग्रुप इस साइड पे, तो यहाँ हमारा क्या होगा N, और इसके साथ लगा होगा NH2 अमाइनो ग्रुप, इसलिए एक H मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी वही है, कार्बोक्सिल ग्रुप से आएगा OH और अमाइनो ग्रुप से आएगा H, तो ये दोनों टिंग टिंग करके क्या बनाएंगे वाटर। सो इसका मतलब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो अमाइनो ग्रुप से आएगा एच और कार्बोक्सिल ग्रुप से आएगा OH, सो OH एंड H, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्या बन गया वाटर। सो हियर विल बी अ वाटर, यही तो हमने बोला कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कंडेंसेशन होगी, दो अमीनो एसिड मिलेंगे और बाकी प्रोडक्ट देखें जरा क्या बना वो जरा राइट करते हैं। सो इधर से हमारा NH2, हियर विल बी NH, 2C, हियर विल बी H, हियर विल बी R, CO, यहां से वो H तो हमारा निकल गया तो बाकी क्या बचा CO, और इधर से हमारा H निकल गया बाकी क्या बचा N H, इसके साथ लगा हुआ और नेक्स्ट क्या लगा हुआ कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ H, इस कार्बन के साथ R, here will be a C double OH group। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप आया है इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, और इसी का एक और नाम वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखिएगा, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम इस ग्रुप को ऐसे भी कुछ राइट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O N H, तो इसका भी मतलब यही होगा कि हमारे पास ये क्या है पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आप देखें कितने अमीनो एसिड मिले, एक अमीनो एसिड ये, दूसरा अमीनो एसिड ये, टू अमीनो एसिड मिले हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा डाइपेप्टाइड, इसका नाम क्या होगा डाइपेप्टाइड। अभी आप देखें इसमें अमीनो ग्रुप कितने, एक अमीनो ग्रुप ये है, दूसरा अमीनो ग्रुप ये है, इसलिए इसका एक और नाम है डाइमाइड, क्या नाम बनेगा डाइमाइड का नाम बनेगा, दो अमीनो एसिड मिले डाइपेप्टाइड या दो अमीनो ग्रुप है तो डाइमाइड। अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, दो अमीनो एसिड मिलकर डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना रहे, डाइपेप्टाइड बना रहे हैं, तो इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, ओनली वन, सो डाइपेप्टाइड में एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड या एक पेप्टाइड लिंकेज हो, और जब डाइपेप्टाइड होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट हो रहे हैं, ओनली वन, ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अभी फॉर एग्जांपल 10 अमीनो एसिड आपस में मिल रहे हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 9, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 9 बनेंगे, और अगर 10 अमीनो एसिड आपस में मिल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 1000 अमीनो एसिड आपस में मिल रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, 999,
हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, 999 ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अब आप देखें यहाँ डाइपेप्टाइड, अभी हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, डाइपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन। तो एक हमारे पास क्या होता है डाइपेप्टाइड, वो हमने देख लिया जिसमें दो बाइंडर्स मिलेंगे। एक हमारा क्या होता है ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, और एक हमारा होता है ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और एक हमारा होता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद हमारा क्या बनेगा प्रोटीन, हमारा क्या बनेगा प्रोटीन। अब इनको वन बाई वन हम देखते हैं। ओलिगोपेप्टाइड अगर अमीनो एसिड्स की तादाद है 2 to 9, 2 to 9 की रेंज में अमीनो एसिड्स आपस में मिल रहे हैं तो उसे आप लोग नाम देंगे ओलिगोपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड में ओनली 3 अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे, 3 अमीनो एसिड्स होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 3 अमीनो एसिड मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड की आपने बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 हो, मॉलिक्यूलर मास कितना हो 10,000 हो, उसे आप लोग पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। प्रोटीन में भी हमारे थाउजेंड्स अमीनो एसिड्स मिलेंगे, बट इसका एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 10,000 से ग्रेटर होगा। अगर आप 2 10,000 मॉलिक्यूलर मास है तो हमारा पॉलीपेप्टाइड, अगर 10,000 से ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास तो प्रोटीन हमारे पास बनेगी, पॉलीपेप्टाइड नहीं, उसे हम नाम देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये हम बना रहे हैं यहाँ ट्राइपेप्टाइड, हम लोग 3 अमीनो एसिड्स को आपस मिलाएंगे, यहाँ हमारा होगा NH2, here will be a side chain RCOOH+, इधर हमारा अमीनो ग्रुप होगा एक अमीनो एसिड का, here will be a C, here will be H, here will be a side chain COOH, फिर थर्ड अमीनो एसिड आएगा प्लस, इधर हमारा क्या होगा NH अमीनो ग्रुप होगा, और here will be a C, here will be a side chain, here will be a CH, और यहाँ हमारा क्या आएगा COOH। अब हमने इसकी बात करनी है, अगर देखें 1 2 3 अमीनो एसिड है इसके बाद हमारा बनेगा ट्राइपेप्टाइड, और पेप्टाइड बॉन्ड इसमें कितने बनेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे 2 होंगे। तो अगर देखें यहां से ये दोनों OH एंड H, कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और अमीनो ग्रुप से H, टिंग टिंग करके मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां निकला। ओके अभी आप देखें तो यहां से इस कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और इस अमीनो ग्रुप का H टिंग टिंग करके आपस में मिलेंगे तो सेकेंड 2 यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे एलिमिनेट होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये, अभी आप देखें एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां बनेगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहां बनेगा। एक और कंडीशन मस्ट याद रखें कि सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए अल्फा अमीनो एसिड्स। सो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होती हैं जिनके अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हो, प्रायोरिटी जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप को या अल्फा ग्रुप, तो देखिए यहाँ अल्फा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन इसके साथ अमीनो लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बन इसके साथ क्या लगा हुआ है अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो सारे के सारे हैं अल्फा अमीनो एसिड। अभी जो बना हम इनको मिलाते हैं आपस में, तो जरा देखें हमारा क्या बना है NH2, here will be a CHR, वहां से OH तो क्या बाकी क्या बचा C double bond O, यहां you can write only CO, उधर से H क्या बाकी क्या बचा NH, so next हमारा क्या है C, इधर हमारा क्या लगा हुआ H, और यहां हमारा क्या है R, here will be a CO, क्योंकि यहां से हमारा OH जा चुका है बाकी क्या बचा CO, C double bond O, ऐसे भी write कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट का एच क्या माइनो का बाकी क्या बचा एन, उसके साथ क्या लगा हुआ एच, और नेक्स्ट हमारा क्या है सी, इधर हमारा क्या एच, इधर हमारा क्या साइड चेन वाला आर, इधर हमारा क्या हुआ सी डबल एच। अब आप देखिए एक हमारा पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड ये, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड हमारा ये, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने 2 पेप्टाइड बॉन्ड, और कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हुए। इंपॉर्टेंट बात जो हमने याद रखनी, तो इसको हमने नाम क्या दिया ट्राई पेप्टाइड का, क्योंकि कितने अमीनो एसिड मिले हैं 3 अमीनो एसिड्स हम आपस में मिले। एक इंपॉर्टेंट बात और जो आपने याद रखनी है वही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं n अमीनो एसिड्स तो फिर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे n-1, जितनी अमीनो एसिड की तादाद होगी उससे कम, सो n तादाद है तो n-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से कितने निकलेंगे n-1 ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे यहां से एलिमिनेट होंगे। अब आप देखें अगर आप ले रहे हैं n अमीनो एसिड्स ले रहे हैं तो फिर यहां से क्या चीज n टाइम रिपीट होगी, तो वो हमारा ये वाला ग्रुप होगा, इधर से हमारा C double bond O, इधर से हमारा ये वाला ग्रुप,
ये वाला ग्रुप जो है वो n टाइम जो है वो क्या रिपीट होगा, तो अगर इसका मैस आ गया अप टू 10,000 तो पॉलीपेप्टाइड, अगर ग्रेटर देन 10,000 हुआ तो फिर क्या बनेगी हमारी प्रोटीन बनेगी। सो दिस इज अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल डॉट।